इसका मतलब ये मैंने मजाक उड़ा दिया उनका। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे बिग बॉस के घर से चिंटू विक्ट हो चुके हैं, मतलब कि समर्थ बिग बॉस 17 के घर से बाहर हो चुके हैं। तो गाइस, जब यहाँ पे ईशा को तो अकेले गेम खेलनी पड़ेगी, अब वो अकेले गेम कैसे खेलती है देखने लायक होगी। क्या वो फिर से अभिषेक का सहारा लेगी या खुद गेम में आगे बढ़ेगी, ये चीज तो देखने लायक होगी। बट आगे जो भी हो, एनीवेज, तो अभी यहाँ पे समर्थ के बाहर जाने के बाद बहुत सारे लोग खुश हैं, क्योंकि जिस लेवल का बंदा इस चीजें कर रहा था तो लोग तो खुश होंगे ही। एंड वहीं पे कुछ लोगों का भी कहना है कि चिंटू भले ही पोकिंग बहुत ज्यादा करता था लेकिन बंदा एंटरटेनमेंट ठीक करता था। तो अभी यहाँ पे समर्थ के बाहर जाने पे तहलका भाई का स्टोरी शेयर करिए, जहाँ पे तहलका भाई समर्थ के बाहर जाने पे खुश दिखाई दिए। बिग बॉस के घर से एक शख्स और जा चुका है, कौन कौन देखो, ये चला गया रे चिंटे। कहाँ गया चिंटे? कहाँ है चिंटू? ऑल्सो के जहाँ पे कटारिया ने भी समर्थ को लेकर ट्वीट किया, एंड इस ट्वीट के नीचे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारे लोग खुशी हैं समर्थ के विक्सन से। बाकी के जहाँ पे आप लोग समर्थ को लेकर क्या कहना चाहते हो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। ऑल्सो के जहाँ पे मुनावर फारूकी को जैसे कि आयशा खान ने पूरा एक्सपोज करके रख दी है, एंड उसके बाद भी मुनावर फारूकी आयशा को लेकर ऐसा कुछ भी रिप्लाई अभी तक नहीं करी है। तो अभी यहाँ पे इसी चीज पे करण कुंद्रा का मुनावर फारूकी को लेकर सपोर्ट आ चुका है। बेसिकली करण कुंद्रा मुनावर फारूकी को लेकर कल एक ट्वीट किए थे, मैं आप लोग को ट्वीट पढ़ के सुना देता हूँ। रोकेंगे तुझे रुकना नहीं है, तोड़ेंगे तुझे टूटना नहीं है, बस चलते रहना है, हम खड़े हैं तेरे साथ और चाहिए भी कोई नहीं है। बाकी के जहाँ आप लोग मुनावर फारूकी को लेकर क्या कहना चाहते हो, इस पर आप लोग अपना क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए गाइस, जब बात कर लेते हैं एलविस यादव को लेकर, तो गाइस एलविस यादव कल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे, एंड वो गुस्सा क्यों हुए थे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेसिकली एलविस यादव कल ये वाले फोटो अपने स्नैपचैट स्टोरी में शेयर करी थी, जिसके बाद लोगों को लगने लगा कि एलविस यादव इनका मजाक उड़ा रहे, और लोगों ने उनको हेट देना शुरू कर दिया। तो इस चीज पे एलविस यादव भी काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और उन्होंने भी रिप्लाई में क्या कहा आप लोग खुद देखिए। भाई मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि मैंने फोटो डाली, लोग कह रहे भाई तुम इनका मजाक उड़ा रहे हो। भाई कहाँ उड़ाया, फोटो डालनी मजाक उड़ाना होता है? अपने माँ बाप की फोटो डालते हो तुम, अपने माँ बाप का मजाक उड़ा रहे हो मतलब है? मैंने किसी की मैं सड़क की फोटो डालूँ, सड़क का मजाक उड़ा रहा हूँ मैं? भाई जो चीज़ मैं देख रहा हूँ स्नैप पे डाल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये मैंने मजाक उड़ा दिया उनका? अपने माइंड को ग्रो करो। कई कह रहे अरे तू तो इज्जत करना सीख, अरे बेइज्जती कहाँ करी भाई? तू अपनी फोटो डालता है, तू अपनी फोटो डालता जो मेरे को कह रहा है, तू अपना मजाक उड़ाने के लिए फोटो डालता है, मैंने इनकी फोटो डाल दी मजाक उड़ा दिया? बेवकूफ भाई, ग्रो अप यार, ग्रो अप भाई। हर चीज नहीं होती है, किसी के मन की थोड़ी जान लोगे तुम कि भाई मन में बंदा क्या सोच रहा है। तुम्हें लगता है मजाक उड़ाने के डाला? तो बाकी के जहाँ आप लोग एलविस यादव को लेकर क्या कहना चाहते हो, इस पे आप लोग अपना क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके जरूर से लिखिएगा। तो चलो यार, फिलहाल इतना ही अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।